श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। ओम अंधकार तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा, श्री राधा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है एक साधक का कि जाने अनजाने में उस साधक के पूर्व के दुष्कर्म बार बार उसे याद आते हैं, जो उसने गलत काम किए हैं इस जन्म के। वैसे तो पूर्व जन्म में भी उसने बहुत से पुण्य पाप किए हैं, लेकिन उसे अपने पूर्व दुष्कर्म याद आ रहे हैं। उनको याद करके वह साधक बड़ा ही दुखी होता है, अतः वह इस स्थिति में क्या करे। तो इस प्रश्न का उत्तर आज हम जानेंगे कि पूर्व में जो दुष्कर्म हुए हैं वो बार बार याद आ रहे हैं, याद करके मन बहुत दुखी हो रहा है, स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा वल्लभ लाल स्वरूप श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी कहते हैं कि हमारा प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में जाना चाहिए। जो कुछ हो चुका है हमें ना उसका चिंतन करके शोक करना है, गतम ना सोचामी और भविष्य में क्या होगा, दुर्गति होगी कि सदगति होगी, प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब हमें चिंता नहीं करनी है। हमें केवल प्रिया प्रीतम का चिंतन करे रहना है, हमें वर्तमान संभालना है। हमारा जो वर्तमान है उसका हर क्षण प्रिया लाल के चिंतन में बीते, उनके नाम में बीते। फिर चाहे जब शरीर छूट जाए, समझ लो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। गीता जी में कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरम मुक्ता कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति ना नायस्त्र संशया। हर क्षण प्रभु का चिंतन करते रहें, पता नहीं कौन सा क्षण हमारा अंतिम है। यदि प्रभु का चिंतन करते हुए शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हम भविष्य में भजन कर लेंगे ये आशा नहीं रखनी चाहिए। जो समय बीत चुका ना उसके विषय में सोचना है। बीते के बारे में सोचोगे समय बर्बाद हो जाएगा, आपका वर्तमान बर्बाद हो जाएगा। वर्तमान के प्रत्येक क्षण को भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चिंतन में लगाना है। तो समझ लो आज ही हम मुक्त हो गए, एक भी चिंतन इधर उधर कहीं नहीं, अनन्य चिंतन भगवान के चरणों में, समझो हम मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने भी कहा है, चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। मन का सतत भगवत चिंतन करना ही यही मोक्ष का स्वरूप है, और शरीर संसार का चिंतन करना ही बंधन का स्वरूप है। तो भगवान का चिंतन हो रहा है अर्थात भगवान की प्राप्ति हो रही है, और संसार का चिंतन हो रहा है अर्थात संसार में बंधे जा रहे हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणाम बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन में हम किसी भी प्रकार के गलत भाव को मत लाएं। जो हमने कर लिया है उसके विषय में मत सोचें, आगे जो भविष्य में होना है उसके बारे में भी ना सोचें, केवल अपने वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीना अर्थात भगवान के चरणों में अपने वर्तमान को लगा देना, प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी भगवान का चिंतन करना। हमारी रस पद्धति में जो अष्टयाम सेवा राधा वल्लभ लाल जी की है, उसमें नित्य प्रतिपल भगवान से ही लाड लड़ाया जाता है, उनके नाम का चिंतन किया जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है, भगवान को वाणी पाठ सुनाया जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, नौका विहार की जाती है, भगवान को बहुत प्यारा प्यारा भोग खिलाया जाता है, भगवान को सुलाया जाता है, उठाया जाता है, अच्छे अच्छे वाणी पाठ के मधुर मधुर गीत भगवान को सुनाए जाते हैं। इस तरह भगवान की सेवा होती है, एक पल के लिए भी वह साधक भगवान से अलग नहीं होता। अतः उसने अपने वर्तमान को भगवान को दे दिया है तो अंत काल में उसका स्मरण होकर ही रहेगा।
एक निष्ठा, एक आस्था, एक विश्वास भगवान के चरणों में अभी से बना लेनी चाहिए कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं कितना भी पापी, दुराचारी, मुझसे लोग बात करने में पसंद ना कर रहे हैं, फिर भी मैं नीच पतित होने के कारण, होने के बाद भी हूँ तो भगवान का ही। ऐसी भावना से भगवान के शरण में हो जाओ, भगवान तुम्हारे सभी दोषों को दूर कर देंगे। तुम्हारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकार हैं, शरीर का भाव है, यह सब भगवान मिटा देंगे। तुम भगवान के शरण हो जाओ, भगवान का नित्य चिंतन का प्रयास तो करो, भगवान के लिए अभ्यास करो। अभ्यास अर्थात जो आप ये साधन कर रहे हो, ये एक प्रकार का अभ्यास है निरंतर चिंतन करने का। वास्तव में अखंड चिंतन तो भगवान की कृपा से होगी, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन तो भगवान की कृपा से ही होगा, लेकिन हमें ये साधन तो करने हैं जो गुरुदेव ने दिए हैं हमें, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा वल्लभ लाल स्वरूप पूज्य गुरुदेव द्वारा हमको ये सब साधन दिए, हमें ये तो करने ही हैं। बिना इन साधनों को पकड़े हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा साधन आश्रय का है, शरणागति का है सबसे बड़ा साधन। इस साधन को पकड़ना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञास ही तब ही। जब कोई भी व्यक्ति संसार को भूलकर, अपने शरीर भाव को भूलकर, अपने विकारों को हटाकर मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे पास आ जाता है, मेरे चरणों में शरणागति ले लेता है, तो मैं उसके सभी पापों को काट देता हूँ, वह मेरा भक्त हो जाता है। इस तरह हमें प्रथम साधन यही करना है कि भगवान की शरणागति, भगवान का दृढ़ आश्रय ले लिया जाए, श्री राधा वल्लभ लाल का दृढ़ आश्रय ले लिया जाए। यही जीवन का परम हेतु है, परम कल्याण है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।